गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे जो आवर टॉपिक इज जीमेल। फर्स्टली यू नो अबाउट द व्हाट इज जीमेल एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ जीमेल, किसने प्रोवाइड किया जीमेल को, किसके थ्रू किसका काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है जीमेल का। लेट अस सी, जीमेल इज फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। जीमेल क्या है? एक ईमेल सर्विस है जिसके थ्रू हम ईमेल सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। और किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? ये गूगल अकाउंट्स। गूगल अकाउंट्स क्या होते हैं? गूगल अकाउंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गूगल अकाउंट्स का यूज किस लिए किया जाता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है। एक्सेस जीमेल, जीमेल को सेंड करने के लिए हम क्या, जीमेल को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हम गूगल अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एबल टू इजीली एक्सेस द अदर सर्विसेज, ये क्या करता है? अदर सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए भी एक गूगल अकाउंट की जरूरत होती है। जीमेल फीचर्स कौन कौन से जो जीमेल फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो मेल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हाउ कैन वी सेंड दैट। कन्वर्सेशन व्यू क्या होता है? कन्वर्सेशन व्यू, कैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ईमेल में, जैसे हम ऑनलाइन इंटरनेट से वन पर्सन टू अनदर पर्सन मेल सेंड करते हैं, तो आपका जो व्यू है कैसा व्यू होता है जब हम गूगल अकाउंट साइन इन करते हैं या साइन आउट करते हैं। बिल्ट इन चैट एंड कॉल फॉर्म, ये क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जीमेल के थ्रू हम कॉल्स भी कर सकते हैं, चैट्स भी कर सकते हैं, मैसेजिंग वगैरह। जैसे आप लोग क्या करते हो, आपने बहुत सारे सोशल साइट्स वगैरह देखी होंगी, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, याहू, दीज आर मोस्टली यूज फॉर मेल सर्विस, मेलिंग एंड मैसेजिंग और चैटिंग कॉलिंग ऑल्सो। ओके, गेट टू नो द जीमेल इंटरफेस, हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेस क्या क्या है, उसके अंदर किस किस चीज का यूज किया जाता है और कैसा कैसा व्यू होता है। और जब हम जो जैसे हम कंपोज करते हैं, हम कोई भी मेल किसी के पास सेंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंपोज करना होगा। उसमें जब हम ओपन करते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम हमारे जो व्यू स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे दिखाएगा ना कि क्या क्या कहाँ पे कैसे हमें सेंड करना है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या नीचे सेटिंग होगा, जीमेल अकाउंट, ठीक है। हमें सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी को हमारी फाइल जो है सेंड कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद साइन इन टू योर अकाउंट, ठीक है। सब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करोगे आप, साइन इन करने के बाद आपका जो गूगल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा, देन सेंडिंग ईमेल, आप जिसको सेंड करना चाहते हो वो आपकी आपको सबसे पहले उसको मेल आईडी पता होना चाहिए कि कैसे द कंपोज विंडो। कंपोज विंडो क्या होता है? कंपोज विंडो के जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो मैसेजेस हैं वो सेंड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वी हैव टू फॉरवर्ड ऑल द मैसेज टू द अदर पर्सन आल्सो। सीसी और बीसीसी, ये किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बन कॉपी, सीसी इज कार्बन कॉपी एंड बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी एक है जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम हमारा जो फाइल है सेंड कर सकते हैं टू द अदर पर्सन। रेसिपेंट्स क्या होते हैं? हमें पता होना चाहिए कि दूसरे जिस इंसान को हम जिस पर्सन को हम सेंड करना चाहते हैं हमारा जो मेल फाइल है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है हम सेंड करना चाहते हैं, उसकी मेल आईडी जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट, से व्हाट द ईमेल अबाउट। सब्जेक्ट क्या करता है कि ईमेल के अंदर ईमेल के बारे में बताता है कि ईमेल में हमारा जो हमने सेंड किया है फाइल, उस फाइल में है क्या, उस फाइल के बारे में बताना जो होता है ना, सब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल
शॉर्ट होगा एज लाइक दिस। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट उस बारे में बताता है कि जो हमने फाइल सेंड की है वो उस फाइल के अंदर क्या है। मैसेज बॉडी उसमें क्या होता है, एक मैसेज बॉडी होती है जिसके जिसके अंदर हम क्या करते हैं ध्यान को राइट और टाइप और मैसेज अंदर मैसेज बॉडी। एंड सेंड बटन, सेंड बटन इज ऑल्सो यूज फॉर द सेंडिंग मैसेजिंग और ईमेल टू द अदर पर्सन। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग एनी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फाइल्स व्हिच यू वांट टू सेंड टू द अदर पर्सन। एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट इससे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो फाइल्स के थ्रू, फाइल्स के अलावा जो हमारे अटैचमेंट्स हैं या फिर कोई वीडियोज वगैरह हो गया मैनी मोर थिंग्स व्हिच यू वांट टू सेंड यू कैन अटैच विद द हेल्प ऑफ एड अटैचमेंट। देन यू कैन क्लिक ऑन सेंड बटन एंड योर फाइल विल बी सेंड। स्पैम, स्पैम किस लिए यूज, स्पैम का होता क्या है और स्पैम किस लिए यूज होता है। स्पैम होता है जंक फाइल्स जो होती है ना, वो जंक फाइल्स और मेल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो स्पैम होते हैं वो ऐड हो जाते हैं व्हाट इज द इनबॉक्स, इनबॉक्स में जैसे ऐड नहीं होते वो फॉरवर्ड एंड रिप्लाई। फॉरवर्ड और रिप्लाई से क्या हम कर सकते हैं, हमारा जो मैसेज है और आपके पास जो मेल आया है उसमें हम क्या कर, आप क्या कर सकते हो रिप्लाई के थ्रू आप उस मेल का और या फिर उस और फॉरवर्ड के थ्रू आप किसी को सेंड कर सकते हो एंड रिप्लाई के थ्रू आप उसका आंसर दे सकते हो। हियर यू कैन सी द सेंडिंग ईमेल ऑप्शंस। जब हम सेंड करते हैं किसी को ईमेल तो हमारे पास जो हमने सबसे पहले पॉइंट सबसे पहले कंपोज करना होगा, देन नेक्स्ट पॉइंट इज सीसी बीसी कार्बन कॉपी एंड ब्लैंक कार्बन कॉपी। देन उसके बाद आपको रिसिपिएंट पता होना चाहिए कि आपका जिसको आप सेंड कर रहे हो। देन सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट कौन सी फाइल के बारे में बता रहे हो। नेक्स्ट मैसेज बॉडी एंड फॉर्मेटिंग, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सेंडिंग ईमेल्स। ओके एंड जीमेल इज जीमेल सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, गूगल के थ्रू। एंड गूगल अकाउंट सर्विस फर्स्टली यू वांट टू नो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें गूगल अकाउंट बनाना है एंड गूगल अकाउंट कैसे का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।